प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाग विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम शेष बचे 3 अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न 4 है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल में विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? हमारे विचार में लेखक ने यह टिप्पणी, सामान्य रूप से संसार के व्यवहार को देखकर की थी। अधिकांश लोग अपने घर में पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं। अतः प्रेमचंद जी के रोज पहनने के वस्त्र तो और भी दयनीय होंगे। इस संदर्भ में लेखक प्रेमचंद की सादा जीवन शैली का ध्यान आने पर लेखक के विचार बदल गए। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया, इसीलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसीलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। प्रश्न 5। आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर है, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में सागर ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे बीज में क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फल और फूल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बातें खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात निकलने की यह व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। प्रश्न 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को
को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तिला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है, जैसे बढ़ती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को रोक देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। इस तरह से ये एक से लेकर छह प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। वीडियो सुनकर समझकर इनके उत्तर आपको लिखने हैं। दो प्रश्न 7 और 8 रचना और अभिव्यक्ति के हैं, जिनमें आपको स्वयं इनके उत्तर करने हैं, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति आपकी होगी और आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।